हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा है पोर्ट्रेट ड्राइंग, और इसमें आज मैंने एक सेलिब्रिटी जो उल्टा चश्मा के अंदर काम करते हैं, जो सभी बच्चों के फेवरेट है, जेठालाल जी, उन्हीं का मैं पोर्ट्रेट स्केच तैयार करने वाला हूं। तो पोर्ट्रेट स्केच तैयार करने के लिए मैं कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं, वो मैं यहां पे बता रहा हूं। तो मैंने अपने मोबाइल के अंदर पहले ही प्ले स्टोर से ड्रो ग्रिड नाम की ऐप मैंने डाउनलोड करके रखी है। उसी ऐप के अंदर जाके मैं जो भी फ़ोटो बनाने वाला होता हूँ उस फोटो को वहाँ पे ओपन कर देता हूँ और अपने सेटिंग के अनुसार वहाँ पे ग्रिड तैयार कर देता हूँ, और उस ग्रिड वाले फ़ोटो को मैं सेव कर लेता हूँ और साथ में उसकी एक ब्लैक एंड वाइट कॉपी भी वहीं से ले लेता हूँ। बाद में पेपर के ऊपर स्केल की मदद से जितना मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ फ़ोटो, उतना फ़ोटो मैं वहाँ पर तैयार कर देता हूँ ग्रिड। तो किस तरह से फ़ोटो को देखकर स्केच तैयार करते हैं, वो भी ग्रिड मेथड से, तो वो इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप हर बॉक्स के अंदर आउटलाइन तैयार कर रहा हूँ, जिससे पूरा जेठालाल जी का स्केच तैयार हो जाता है। साथ में छोटी छोटी डिटेल भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे हम पेंसिल शेडिंग करें तब आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे ग्रिड तो मैंने तैयार कर ली, स्केच भी मैंने तैयार कर दिया। अब कौन सी पेंसिलों की मदद से हम स्केच तैयार करेंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बालों में चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और साथ में हाईलाइट देने के लिए जेल पेन और ग्लास पेंसिल जो आती है वाइट कलर की, उसका भी मैं इस्तेमाल करूँगा। साथ में इरेजर का भी प्रयोग करेंगे। स्किन के लिए मैं HB पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और साथ में 6B पेंसिल का। हाईलाइट जहाँ पे है वहाँ पे मैं रबर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और साथ में मिडल टोन के लिए HB पेंसिल का, और डार्क टोन के लिए मैं 6B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो एकदम ही हाईलाइट है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, जो और दूसरी तरफ जो बिल्कुल डार्क है तो उसके लिए मैं 10B पेंसिल भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, बस पेंसिलों का इस्तेमाल करना है, फ़ोटो को ऑब्जर्वेशन करना है, कौन सी जगह पे कितना शेडिंग करना है, शेडिंग को स्मूथ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करना है या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। तो वही सब चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन करनी है। जितना हम फोटो को देखकर ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना आपका पोर्ट्रेट या स्केच अच्छा और सुंदर तैयार होगा। तो यहाँ पे बारी बारी में पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले बालों के अंदर आप देख सकते हो कि बालों के ऊपर हाईलाइट भी है, तो इतने एरिया को मैंने पहले से ही वाइट छोड़ के रखा है, और जिस एरिया में मिडल टोन है या डार्क टोन है उसके लिए मैं चारकोल पेंसिल की मदद ले रहा हूँ। और साथ में ब्लेंडिंग करने के लिए यहाँ पे मैं मेकअप बॉक्स के अंदर जो ब्रश आता है उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ब्रश आपको स्टेशनरी पे भी आराम से मिल जाएगा, और साथ में ये ग्लास कलर की पेंसिल है जो कारपेंटर लोग लकड़ी के ऊपर या ग्लास के ऊपर मार्किंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैं स्केच के अंदर भी उसको इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं मैकेनिक पेंसिल की मदद से आईब्रो और आईबॉल दोनों का शेडिंग करूँगा। तो किस तरह से हल्का और मिडल और डार्क टोन एक ही पेंसिल की मदद से हम लोग कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे मैंने बताया है। तो जिस तरह से स्केच हमने पेंसिल से तैयार किया है, अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो भी हम पेंसिल शेडिंग करने के टाइम पे उसको अच्छी तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन कर दिया और एक आँख तैयार हो गई। अब बिल्कुल वैसे ही मैं दूसरी आँख भी तैयार करूँगा, और बारी बारी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं हर काम करता जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने अब स्किन शेडिंग के लिए HB पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। HB पेंसिल हार्ड होती है लेकिन वो लाइट चलती है, लेकिन उसका जो
ब्लेंडिंग करने के बाद जो इफेक्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसीलिए मैं हमेशा स्किन के अंदर HB पेंसिल का ही इस्तेमाल करता हूँ, और कई बार तो H पेंसिल आती है 4H उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे सिर के ऊपर का जो हिस्सा है वो तो मैंने शेडिंग कर दिया, और उसको ब्लेंडिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया। अब मैं धीरे धीरे नाक का और आँखों के ऊपर का जो हिस्सा है उसको मैं बना रहा हूँ, तो उसके ऊपर ज़रा डार्क एरिया है तो वहाँ पे मैकेनिक पेंसिल और साथ में 6B पेंसिल का इस्तेमाल करके मैं काम करूँगा। अब यहाँ पे जेठालाल जी की जो मूछ है तो वो मूछ बनाने के लिए भी मैं चारकोल पेंसिल का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि बाल जो हमने सिर के ऊपर डार्क तैयार किए तो मूछ के अंदर भी हमें डार्क ही चाहिए। धीरे धीरे हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आते रहेंगे और सारा डिटेल देते रहेंगे, तो किस तरह से फ़ोटो को ऑब्जर्वेशन करना है और किस तरह से बनाना है तो आप लोग मेरे साथ आगे वीडियो में देखते रहिए। दोस्तों, जाते जाते मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो लोग मेरी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए। और जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ काम करता ही रहता हूँ, तो आप लोग भी अगर मेरे प्लेलिस्ट को जाके चेक करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मेरे फेसबुक को और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिए, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मैं दे पाऊँगा। तो दोस्तों, कहने की बात मेरा सिर्फ इतना ही है कि वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करिएगा, आपको भी मज़ा आएगी और हमें भी काम करने की मज़ा आएगी। तो चलो, मैं अब म्यूज़िक रख देता हूँ।
दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मैं अब शर्ट के अंदर किस तरह से ये डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए कि मैकेनिक पेंसिल के पीछे बहुत ही पॉइंटेड राउंड शेप में इरेजर आता है और उसी इरेजर की मदद से मैं छोटी छोटी जो लाइन है या छोटे छोटे जो ऐसे डिज़ाइन है वो आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताने के लिए आपको बोला कि आप लोग भी इस तरह से प्रैक्टिस करके स्केच तैयार कर सकते हैं। दोस्तों और एक बात मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ वीडियो के अंदर मैंने पार्ट वन ही तैयार किया है, इसमें मैंने सिर्फ जेठा लाल को ही तैयार किया है। मेरा जो दूसरा वीडियो आने वाला है इसके बाद उसके अंदर मैं दया भाभी को भी तैयार करूँगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखेगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा।